पश्चिम के सिद्ध क्षेत्र रणजीत हनुमान मंदिर में आस्था का अनोखा समागम हो रहा है। विगत दिनों से भक्तों का अनोखा समागम मंदिर परिसर में लग रहा है। रणजीत अष्टमी महोत्सव के तृतीय दिवस मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में अल सुबह से देर रात तक भक्त भजन कीर्तन और स्वाहार के जय घोष कर रहे हैं। सुबह विग्रह प्रतिमा का अभिषेक एवं रक्षा कवच का अभिषेक तो रात्रि में मूल प्रतिमा का अभिषेक श्रृंगार जारी है। वहीं शाम 7 बजे सैकड़ों भक्तों ने एक साथ रणजीत बाबा के दरबार में आरती की तो दिवाली जैसा नजारा हो गया। रणजीत अष्टमी महोत्सव के तीसरे दिन मंदिर परिसर में आस्था का अनोखा समागम देखा गया। अल सुबह से ही भक्तों का दर्शनों का क्रम शुरू हुआ जो देर रात्रि तक जारी रहा। पंडित दीपेश व्यास ने बताया कि देखने वालों का ऐसा समागम पहले किसी ने नहीं देखा। पश्चिम क्षेत्र की 50 से ज्यादा कॉलोनियों के साथ पूर्वी, उत्तर और राजनगर क्षेत्र तक के श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा के दर्शनों के लिए शामिल हुए। रात भर रज्जगा जैसा माहौल चल रहा है, जिसको भी देखा जय रंजीत जय रंजीत जय घोष कर रहा है। बच्चे महिलाओं के साथ बुजुर्गों में भी उत्साह का माहौल साफ दिख रहा है। मंदिर में सुबह 10 बजे विग्रह प्रतिमा का अभिषेक प्रारंभ हुआ जो दोपहर 1 बजे तक चला। इसके साथ ही 1,00,000 रक्षा कवच को अभिमंत्रित किया गया। इनका वितरण कल किया जाएगा। वहीं शाम को भक्तों ने रंजीत बाबा की सैकड़ों दीपों से आरती उतारी। परिसर में माहौल ऐसा कि हर किसी का मन बस यही कहे कि यहां से नहीं जाना। 2 जनवरी 2016 के बाद अष्टमी थी, जिसके बाद अब 29 दिसंबर 2018 शनिवार को रंजीत अष्टमी का संयोग होने से भक्तों में खासा उत्साह है। महोत्सव के 4 दिनों में भक्तों की संख्या 2,00,000 को पार करने की पूरी संभावना है। वहीं रंजीत अष्टमी शनिवार को जय रंजीत भक्त मंडल के सैकड़ों महिला पुरुष दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था भक्तों के लिए कर रहे हैं। इसलिए 29 दिसंबर को अल सुबह रंजीत बाबा की प्रभात फेरी में राजस्थान, गुजरात के साथ प्रदेश के अनेक शहरों से भक्त शामिल होंगे। यात्रा में अष्टधातु से सुसज्जित रथ रंजीत बाबा की विग्रह प्रतिमा भ्रमण करेगी। 100 से ज्यादा मंत्रोच्चार से स्वागत सत्कार किया जाएगा। दूध, हलवा और मेवा की प्रसादी का अनेक स्थानों से होगा वितरण। प्रभात फेरी सुबह 5 मंदिर परिसर से द्रविड़ नगर चौराहा, उषा नगर, अन्नपूर्णा मंदिर, नरेंद्र तिवारी मार्ग, गुमाश्ता नगर, 71 होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंचेगी। यात्रा में राजकमल बैंड, भजन गायक, डीजे गाड़िया, 5100 महिला ध्वज वाहिनी, 11 घोड़े, उज्जैन के कडाबीन, बाबा की सजीव झांकी, मंदिरों के पुजारी संत समाज, 11 बग्घियों, 51 फीट के धर्म ध्वजा लहराएगी। इसके साथ ही 3 ड्रोन हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। के दरबार में 4 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में बाबा का महाभिषेक किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विग्रह प्रतिमा का यहाँ पर सैकड़ों भक्त मिलकर अभिषेक कर रहे हैं। साथ ही 1,00,000 रक्षा सूत्रों को यहाँ पर अभिमंत्रित किया जा रहा है, जो कि कल यात्रा के पश्चात सभी भक्तों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही रात में 11 बजे से बाबा का फिर से एक महाभिषेक होगा, तत्पश्चात बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही मंदिर पर भव्य पुष्प बंगला बनाया जाएगा एवं सुबह 5 बजे बाबा की प्रभात फेरी यहाँ पर आयोजित की जाएगी, जिसमें इस बार कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। अभी प्रभात फेरी की रहेगी। भक्तों की हार्दिक इच्छा थी कि बाबा को स्वर्ण रथ में विराजित किया जाए, तो 3 वर्ष पूर्व सभी भक्तों के सहयोग से 25 लाख की लागत से बाबा का पंच धातु का एक रथ यहाँ पर तैयार किया गया है। 3 वर्ष से उसी रथ में बाबा को विराजित कर अब नगर भ्रमण पर निकाला जा रहा है। कल प्रातःकाल 5 बजे उसी रथ में बाबा भक्तों को आशीर्वाद देने स्वयं उनके द्वार पर जाएंगे। जी, 11 बग्घियाँ इस आयोजन में हम लोगों ने कर रखी है, जिसमें इंदौर के जो सभी बड़े मंदिर है और जो सभी बड़े संत और महात्मा जन हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया है। वे सभी इस यात्रा में विराजित रहेंगे। साथ ही इसमें राजकमल बैंड रहेगा, 2 भजन गायक है। साथ ही 10 से 11 DJ जो युवा वर्ग के लिए भजन गाएंगे वो इसमें सम्मिलित रहेंगे। साथ ही 5100 ध्वजाएँ जो है हमारी महिला ध्वजवाहक करेगी उनके हाथों में रहेगी, 101 ध्वजाएँ पुरुष ध्वजवाहक के हाथ में रहेगी। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार के सैकड़ों इसमें आयोजन रहेंगे। जी हाँ, इसमें 51 फीट की धर्म ध्वजा है जो सबसे आगे चलेगी। अब हमने सबसे अपील की है, यदि कुछ बच्चे तैयार होके आते हैं तो हम उनको घोड़े पर विराजित करेंगे। मैं 30 साल से यहाँ भगवान के दर्शन में आ रहा हूँ, भगवान के चरणों में बहुत अच्छा लगता है। साक्षात भगवान सिद्ध स्थान है, यहाँ पर लाखों लोग बाहर से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ठंड में बहुत आनंद आता है यहाँ पर।